मान लो पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, मान लो सर में दर्द हो रहा है, वाइफ को बोलो भाई यहाँ 5-8 लिख दे बस करके देखो, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। लो कान में दर्द हो रहा है, कान के पीछे लिखवा लो, भाई से लिखवा लो, बहन से लिखवा लो। आप नहीं करना चाहता, बिजनेस करना चाह रहा हूँ, रास्ता नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में क्या होता है, आप पानी का एक ग्लास ले लीजिए, एक शब्द है, एक बहुत छोटा सा मंत्र है जो आपका प्यार आपसे दूर चला गया है और अब आपसे उसके बिना रहा नहीं जा रहा, वो दौड़कर वापस कैसे आएगा, इसका एक सरल तरीका आज आपको आपका ये सारथी बताएगा। दोस्तों, बेंगलुरु में एक औरत ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वापस पाने के लिए एस्ट्रोलॉजर को 8 लाख रुपए दे दिए। एक ऐसा ही केस हैदराबाद में देखने को मिला, जहां एक औरत ने लव एस्ट्रोलॉजर को 47 लाख रुपए दे दिए। एक और एक खबर है कि कुंडली दोष मिटाने के लिए किया गया 52 लाख रुपए का फ्रॉड, एस्ट्रोलॉजर ने किया 14 लाख रुपए का फ्रॉड। और भी न जाने ऐसे सैकड़ों केसेस आपको मिल जाएंगे गूगल करने पर। मार्केट में नई नई एप्स आ गई हैं जिनका प्रमोशन हमारे सो कॉल्ड एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स खूब धड़ल्ले से कर रहे हैं। और यही नहीं, बड़े बड़े पॉडकास्टर्स भी अपने शोज के द्वारा इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि इन चीजों का कोई साइंटिफिक बेसिस ही नहीं है। ये बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, लेकिन साइंस के अंदर आता है वेरिफाइएबल एंड फॉल्सिफाइएबल, यानी कि जिसे आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई या किसी थ्योरी को गलत प्रूव कर सकते हो। साइंस में आपको एग्जैक्ट फॉर्मूलाज और वैल्यूज मिलती हैं जिन्हें आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो, जैसे कि पृथ्वी की ओर गिरते हुए किसी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा वो 9.8 मीटर/सेकंड² ही लगेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता। बाबा जी की अगर 10 में से 1 बात सही है तो बाबा जी बहुत चमत्कारी और अति ज्ञानी हो जाते हैं। आज जो बाबा जी ने बोला कल उसका बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं, लेकिन उन्हें कोई क्वेश्चन तक नहीं करता। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन एज में जहां लोगों को पूरा एक्सेस है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का, फिर भी लोग क्यों इस तरह के पाखंडों और अंधविश्वासों में पढ़कर अपना समय खराब करते हैं। तो चलिए जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को आज की इस वीडियो में। पति पत्नी जाकर बाबा जी से पूछ रहे हो बच्चा कब होगा, शर्म नहीं आती? इतनी निजी बात है, बूढ़े बाबा जी क्या करेंगे उसमें? वो बाबा जी भी बिल्कुल एकदम दाढ़ी फुसला के अभी बताते हैं, बच्चा जो पानी है वो एक नॉर्मल पानी नहीं है, वो एक पवित्र पानी है, वो ऐसा पानी है जिसने भी इसको पिया उसकी लाइफ बन गई। ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं, ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। पानी अंगूठी से फलाने ग्रह का आप कर रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो, कुछ नहीं पता ना, न प्लैनेटरी मोशन जानते हैं, न डिस्टेंसेस जानते हैं, फेल हुए थे ना 12वीं में। अंगूठियां धारण कर रहे हैं, मालाएं पहन रहे हो, ये महंगी महंगी मालाएं, और बाबाओं की वेबसाइट पे मालाएं बिक रही हैं, अंगूठियां बिक रही हैं, सांप बिक रहे हैं। आज की समस्या तो निपटा नहीं पा रहे हो, कल क्या होने वाला है वो समस्या सुन के माँ जी डिस्टर्ब हो जाए। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने वालों में पहला साइकोलॉजिकल रीजन है कॉन्फर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि आप पहले से मान के बैठे हो कि ऐसा कुछ है जो सच है, और फिर आप उसके प्रूफ ढूंढने लगते हो कि मैं कैसे इस बात को प्रूफ कर दूं कि ये बात जो मैं मानता हूं वो एकदम सच है। और यही एस्ट्रोलॉजी के साथ होता है। एस्ट्रोलॉजर ने अगर कह दिया कि आज आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, तो अब आप पूरे दिन कोशिश करोगे कि एक अच्छी चीज मिल जाए, चाहे 10 का सिक्का पड़ा मिल जाए। और मैं ये कह दूं कि देखो एस्ट्रोलॉजर ने जो बताया था कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, और देखो ऐसा ही हो गया। दूसरा आता है प्लेसिबो इफेक्ट। ये इतना पावरफुल इफेक्ट है कि आप किसी इंसान को पानी की बोतल दे दो और कह दो कि इसमें दवाई भरी है और इसे पीना शुरू कर दो, तो कई लोग कहते हैं कि हाँ अब मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है। यही प्लेसिबो इफेक्ट एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने वालों में भी होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजर से अगर पूछ के कोई काम कर रहे हैं और अगर उसने उस काम को करने की हाँ कर दी और मैं उस काम को कर लेता हूँ तो मेरे सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई बार माइंड इतने तगड़े गेम खेलता है कि आप उस काम को करते हो और आपको उसमें सक्सेस भी मिल जाती है, क्योंकि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा होता है। तीसरा रीजन है सर्वाइवरशिप बायस का, जिसके बारे में वर्ल्ड वॉर 2 में पता चला। वॉर के कुछ प्लेन्स थे जिनमें बहुत सारी गोलियां लगी थी। जब वो प्लेन्स वापस आई तो लोगों ने कहा कि जहां पर गोलियां ज्यादा लगी हैं, अगर हम उस जगह से प्लेन को ज्यादा स्ट्रांग बना देंगे तो हमारे सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर एक मैथमेटिशियन आया और उसने कहा कि तुम लोग गलत बोल रहे हो, इस प्लेन को जरा ध्यान से देखो, जहां जहां पर गोली नहीं लगी अगर वहां पर गोली लग जाती तो शायद ये प्लेन्स वापस नहीं आते, इसलिए उस जगह को ज्यादा मजबूत बनाओ जहां पर इसमें गोली नहीं लगी, क्योंकि जो प्लेन्स गिर गए उनका डेटा हमारे पास नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि जो प्लेन्स गिर गए उनमें गोली ऐसी ही किसी जगह लगी होगी और इसी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये एक सर्वाइवर से बायस होता है, जो लोग पहले सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। इसमें एक बार्नम इफेक्ट का भी बहुत यूज होता है। इसका मतलब होता है कि अगर मैं आपसे कुछ ऐसी बातें बोलूं जो आपसे सिंपैथेटिक हैं और थोड़ी जेनेरिक बातें बोलूं तो आप बड़ी जल्दी यकीन कर लोगे कि ये आपकी बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, अभी के लिए मैं आपसे कहूं कि अरे आप ना बड़े अच्छे इंसान हो, आप तो दूसरों का भला करना चाहते हो, लेकिन ये जो दुनिया वाले हैं ना आपका फायदा उठा लेते हैं। अब ये बात सुनकर हर आदमी कहता है कि अरे ये तो मेरी बात हो रही है, ये देखो भैया ने बिल्कुल दिल की बात बोल दी। और ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसी ट्रिक का यूज करते हैं। वो देखते हैं कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, आप किस तरह के कपड़े पहनते हो, आप कितना पैसा कमाते हो, आपकी एज क्या है, और फिर वो आपसे ऐसी ही बातें करते हैं जिससे आप तुरंत रिलेट कर जाओ और आपको लगने लग जाए कि भैया ने तो एग्जैक्टली मेरी बात कर दी। ये आपको एक रीअश्योरेंस देता है, एक कंफर्मेशन देता है आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन के ऊपर। एक और बड़ी फेमस टेक्निक जो एस्ट्रोलॉजर अक्सर यूज
करते हैं, कोल्ड रीडिंग। वो आपसे कहेंगे कि जब आप 30 साल के हो जाओगे तो तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारी किस्मत करवट लेगी। नाउ ध्यान दीजिए कि ये एक बड़ी जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। भाग्य चमकेगा, हो सकता है आपको एक नई जॉब मिले, हो सकता है आपकी शादी होने वाली हो, या हो सकता है आपका बच्चा होने वाले हो, या ये भी हो सकता है कि आपका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ हो जिससे कि आप बड़ी करीबी से बचकर निकल गए हो। लेकिन आप उस एक्सीडेंट को बैड लक की तरह नहीं देखोगे, आप देखोगे कि आप बचकर निकल गए, ये तो आपकी किस्मत ने करवट ली, आपका भाग्य चमक गया। तो ये लोग आपसे इसी तरह के काफी वेग स्टेटमेंट्स बोलते हैं जिन पर आप इजीली बिलीव कर लेते हो। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर आपकी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है तो कोई एक आम इंसान उसे कैसे बदल सकता है। इंसान पर अपनी बाइक और स्कूटी की दिशा तो ठीक से बदली नहीं जाती, लेकिन वो बात करते हैं ग्रहों और नक्षत्रों की दिशा को बदलने की। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा प्रोडक्ट है जैसा मैंने पहले कहीं नहीं देखा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को एक्यूरेट नहीं होना है। वो हमेशा इस बात को डिफेंड कर सकता है कि नहीं, इस चीज में दिक्कत नहीं थी, वो मेरी कैलकुलेशन ही थोड़ी हिल गई थी। ऐसा प्रोडक्ट आपने कहीं देखा है कि आप कोई पैसे देके कोई चीज लेकर आए और वो खराब निकल जाए और दुकानदार कह दे कि नहीं नहीं इसे बनाने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, बाकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ऐसे में आप उस दुकानदार से बोलोगे कि भैया मेरे पैसे वापस कर दो और ये प्रोडक्ट अपना ले जाओ, ये खराब है। लेकिन इस फील्ड में ऐसा नहीं हो सकता, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। बाकी आप बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो या नहीं करते कमेंट में बताओ। मैं आपको मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऐसी ही और वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।